दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स को फाइनली जीत मिल गई। केकेआर के फैंस हो जाइए खुश और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दे खेलो खेलो। दोस्तों आज पंजाब किंग्स को हराने के बाद यॉन मॉर्गन ने दिया है एक और शानदार इंटरव्यू और कही है एक बहुत ही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे यॉन मॉर्गन ने कहा कि लगातार हार के बाद मैंने देख लिया था कि हमारी टीम का जो ड्रेसिंग रूम है संतुलित नहीं है, हम सभी एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते थे, शायद ये कप्तानी की गड़बड़ी थी। यॉन मॉर्गन ने दोस्तों आज की जीत के बाद रसल के बारे में बात करते हुए कहा कि दोस्तों पिछला मैच हारने के बाद मैंने रसल से बात की और उनसे उनकी मर्जी पूछी। रसल ने साफ तौर पर कहा कि बस उन्हें 10वें ओवर तक बल्लेबाजी करने आना है, अब ऐसा ही होगा। मॉर्गन ने कहा कि आने वाले मैचों के लिए हमारे पास पूरी तरीके से रणनीति तैयार है। रसल को जितनी ज़्यादा गेंदें मिलेगी वो उतने ही खतरनाक बल्लेबाज बनेंगे। अब रसल आपको हर मैच में 10 ओवर तक बल्लेबाजी करने के लिए मिल ही जाएंगे। यॉन मॉर्गन ने कहा कि हमारी टीम अब पहले से ज़्यादा संतुलित है और हम ये जीत का क्रम नहीं छोड़ेंगे और इस बार हम IPL जीत के जाएंगे। तो दोस्तों आपको कैसा लगा रसल का यहाँ पे अब ऊपर उतरना? अब मॉर्गन रसल की जो क्षमता है उनसे बात कर चुके हैं, रसल ने बता दिया है कि वो ऊपर उतरना चाहते हैं। दोस्तों आज मॉर्गन ने भी अच्छी बल्लेबाजी की और टीम को सेट होके दोस्तों यहाँ पे कप्तानी पारी खेलते हुए जीत दिलाई। आने वाले मैचों में रसल की शानदार पारी हमें देखने को मिल सकती है क्योंकि मॉर्गन अब सही कप्तानी करने वाले हैं। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें खेलो।